सुपर हीरो गेम्स यूजली बहुत ज़्यादा शिटी होती थी एंड मोस्ट ऑफ देम बीइंग यूज्ड एज अ मर्चेंडाइज फॉर अ मूवी। जब भी मूवी लॉन्च हुआ करती थी तो डेवलपर्स को कहा जाता था कि मूवी के रिलीज के टाइम पर ही कोई वीडियो गेम भी लॉन्च कर दो मूवी के नाम से, ताकि मूवी के नाम पर एक मर्चेंडाइज हो जाए। मतलब वीडियो गेम्स को पहले एक क्लोथिंग लाइन की तरह ट्रीट किया जाता था जो कि बच्चे खेल सकें। श्योरली आपको कभी कभी स्पाइडरमैन 2 या फिर एक्समैन ओरिजिंस वुल्वरीन जैसी वीडियो गेम्स देखने को मिल जाती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर हीरो गेम्स वर द शिटीएस्ट गेम्स इन द वीडियो गेम इंडस्ट्री। बट 2009 में सब कुछ चेंज हो गया जब आर्कम असाइलम लॉन्च हुई थी। इट ब्लू एवरीवन अवे। रॉकस्टेडी गेमिंग डेवलपर्स को कोई जानता भी नहीं था 2007 या 2006 से पहले, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी वीडियो गेम को लॉन्च किया था जो कि एक एवरेज वीडियो गेम थी और वो शूटिंग बेस्ड वीडियो गेम थी एंड वो अनहर्ड गई थी एंड लोगों ने उसके बारे में सुना भी नहीं था कभी। बट उनको 2007 में ही एक बैटमैन की गेम के बारे में पिच किया गया था, कहा गया था एक बैटमैन की गेम को डेवलप करो एंड जब उन्होंने हाँ किया तो उन्हें 21 मंथ्स दिए गए थे एक बैटमैन की गेम को बनाने के लिए। एंड इट वॉज वन ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन्स जबकि एक सुपर हीरो वीडियो गेम को किसी मूवी के साथ टाइन नहीं किया जा रहा था एंड उन्हें फुल फ्रीडम दी जा रही थी कि आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो। एंड देयरफॉर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर बैटमैन आर्कम असाइलम बीइंग सो गुड वॉज कि उन्होंने अपना एक सेपरेट बैटमैन बनाया था जो कि ना ही किसी मूवी से कनेक्टेड था ना ही कॉमिक से। दे टुक द बेस्ट पार्ट्स ऑफ डार्क नाइट, बेस्ट पार्ट्स ऑफ कॉमिक्स एंड मेड समथिंग अनबिलीवेबली गुड। द स्टोरी दे टोल्ड वॉज नॉट सो मच ऑफ अ सुपर हीरो सेविंग गॉथम, इंस्टेड उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बताई जिसमें बैटमैन नाम का सुपर हीरो किस तरह अपने मेंटल चैलेंजेस अपने नाइटमेयर्स के साथ डील करता है एंड साथ में सिटी को भी सेव करता है। दिस गेम प्रोबेबली गेव द बेस्ट रेंडिशन ऑफ बैटमैन आई हैव एवर सीन एंड इस गेम के बैटमैन को आप ऑब्वियसली कंपेयर कर सकते हो डार्क नाइट के बैटमैन से एंड बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाले बैटमैन से। अनलाइक अदर गेम्स जहाँ पर स्टोरी पर कम एंड सिटी सेविंग पर ज़्यादा फोकस होता है सुपर हीरो गेम्स में, इन्होंने वो स्क्रिप्ट को पूरा 180 डिग्री टर्न कर दिया एंड एक ऐसी स्टोरी बताई जिसमें ऐसी गेम बनाई जिसमें स्टोरी पर ज़्यादा फोकस था एंड सुपर हीरोइक स्टफ पर कम। इस गेम में सेट पीस मोमेंट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे लाइक ग्रैबिंग समवन व्हाइल दे आर फॉलिंग या कोई बहुत बड़ा स्टंट करना, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टेड ये गेम एक बिल्कुल कॉमिक के वन शॉट एपिसोड से हुआ करते थे बैटमैन के, उस टाइप की स्टोरी है ये गेम। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है विद सम थ्रिलर एडेड ओवर इट एंड बैटमैन के एंड रॉकस्टेडी से पहले ये चीज करने की किसी ने सोची भी नहीं थी। बैटमैन आर्कम असाइलम इज स्टिल एज गॉर्जियस एज इट वाज इन 2007। इट शोज द गोथिक एनवायरनमेंट्स ऑफ आर्कम असाइलम व्हिच इज बोथ क्रीपी एंड सैड टू विटनेस। गेम के एंड होने तक आर्कम असाइलम का एनवायरनमेंट आपके ब्रेन पर इतना ज्यादा भार डाल देगा that you would feel really really bad for the inmates there. Animations were top notch of this game and 2007 ki kisi bhi game se aap compare karoge 10 times better hai. Even 2021 ki games ke mukable is game ke animations acche se hold up hote hain. And lightning of this game was beautiful. The sun is always so shiny and lustrously beautiful and the game is really really great in the graphics department. The best thing about Arkham games in general is the combat system of the games. And this combat system se aaj bhi kai sari games inspiration leti hai. This Spider-Man 2018 and Spider-Man Miles Morales being the biggest successful games to take inspiration from Batman Arkham Asylum game. Batman Arkham Asylum ka combat bahut hi zyada fluid hai with each hit being felt to the player. The combat is neither easy nor very hard. Is game ke combat ko aap compare kar sakte ho Doom ke sath and simple words mein kahun to ye game literally Doom wali game hai but in third person. Is game mein Batman ek villain hai. है तो हीरो बट जो इनमेट्स हैं उनके लिए एक डीमन है, ऐसा डीमन जो कि सींग लगाकर सर पे घूमता है एंड 10-10 लोगों को एक एक हिट में मार सकता है। सो आप एंड यही चीज़ आपको गेम बहुत अच्छे से शो भी करती है। जब वहाँ के इनमेट्स बैटमैन को देखकर डरते हैं या भागते हैं तो आपको लगेगा पता कि बैटमैन की कितनी ओरा है एंड कैसी मैस्कुलिन प्रेजेंस है। बैटमैन आर्कम असाइलम चेंज सुपर हीरो गेम सो मच सो दैट कि अगर बैटमैन की गेम नहीं लॉन्च हुई होती ये वाली तो आज हमें स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलती ना ही स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस। एंड दिस इन माय हंबल ओपिनियन इज वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट्स दैट बैटमैन हैज गिवन अस, अ चांस टू प्ले सुपर हीरो गेम्स जस्ट लाइक यू कैन वॉच देम ऑन द बिग स्क्रीन इन एमसीयू। इस गेम के आने की वजह से आज हमको वीडियो गेम्स में भी शेयर्ड यूनिवर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल रहा है विद स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस एंड स्पाइडरमैन 2018 बीइंग वन ऑफ देम एंड अब एक बैटमैन गौतम नाइट्स नाम की भी गेम आ रही है जो कि सेम यूनिवर्स में सेट होगी। एंड टू थिंक कि 2006 में कोई ऐसा सोचता कि ऐसी चीज़ हमें वीडियो गेम में देखने को मिलेगी वुड हैव बीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट आज थैंक्स टू बैटमैन हमें ये सब देखने को मिलता है। सो दिस इज हाउ बैटमैन आर्कम असाइलम चेंज्ड सुपर हीरो वीडियो गेम इंडस्ट्री फॉर एवर। लेट मी नो योर ओपिनियन, क्या आपने ये गेम खेली है कभी? खेली है तो आपको कैसी लगी? In my opinion, this game is 10 out of 10 with nothing to complain about. Batman Arkham Asylum is like the Dark Knight trilogy of video games, which showed how Batman should be redefined. So guys, this was pretty much the video. I hope you liked it. Video ko khatam karne se pehle main aapse ek update share karna chahunga and ek question. So update ye hai ki maine video nahi dali thi
पाँच दिनों से, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे प्रैक्टिकल्स चले थे, तो प्रैक्टिकल फाइल आपको पता ही कितनी लंबी होती बनाने को, एंड साथ ही साथ मेरे घर में पेंट हो रहा था तो बहुत इम्पॉसिबल जैसी टास्क लग रही थी वीडियो बनाना, क्योंकि शोर तो हो रहा था हर वक्त एंड सामान भी इधर-उधर करना पड़ रहा था, मेरा सेटअप भी काफ़ी ज़्यादा हिल गया था उस वजह से। अब सब कुछ स्टेबल है, सो आप देख सकते हो वीडियो रेगुलर आएगी। एंड जो क्वेश्चन मैं आप व्यूअर से पूछना चाहता हूँ वो ये है कि वट डू यू लाइक मोर, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ हर अगले दिन इस टाइप की, या फिर दो तीन दिन लगाकर एक वीडियो ऐसे टाइप की वीडियो अपलोड करूँ? द क्वेश्चन इज वट यू लाइक मोर, क्वान्टिटी और क्वालिटी? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं जो रोज डालता हूँ क्वालिटी कॉन्टेंट नहीं होता है, अब मीठे मीठी बात क्या करनी, बट मुझे पता है मैं अच्छी क्वालिटी डालता हूँ कंपेयर टू अदर गेमिंग यूट्यूबर जो कि इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, बट मैं इससे भी और ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकता हूँ अगर मुझे टाइम मिले, जैसे तीन या दो दिन का अच्छे से स्क्रिप्ट लिखकर वीडियो ऐसे टाइप। तो क्या आप वो देखना पसंद करोगे या इस टाइप की क्विक पाँच छः मिनट की वीडियो? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आप इस चीज़ का आंसर करोगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टिल देन एज यूजुअल टू स्वीट।